Hey everyone, this is Fiddlehead Courage Raven, and yeah, apparently this song titled Beyonce Sharma Jayegi has been causing a whole lot of controversy online. So I was like, you know what, let's check it out. Apparently it's supposed to have colorist undertones, and you know what, I haven't listened to it yet. So let's listen to this. I'm going to tell you guys right now, okay, this video mein thodi si Urdu bhi bolunga, so I'll have the subtitles over here, but yeah, this is the first shot of the music video, and it's only like 2 minutes 20 seconds long, which is basically quite short in my opinion. But yeah, the first shot, or chahe hero ko acting aati ho ya na aati ho, body hero rahi chahiye, hai na? Ek ladka, ek ladki, Beyonce ka hai, jogger kyun pehne hue hai, main dance nahi aata. Oh, Gorilla, okay. तुझे देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा जाएगी, विच मेरे हिसाब से दिस म्यूजिक वीडियो इज ट्राइंग टू से दैट द वे दैट यू डांस, जिस तरह तुम डांस करती हो, उस डांस को देख के बियॉन्से शर्मा जाएगी, विच आई मीन इट स्टिल डजंट मेक एनी सेंस दैट यू आर कंपेयरिंग समवन लाइक हर. व्हाट्स हर नेम? अनन्या. अनन्या. सो अनन्या न्यू एक्ट्रेस, उसको कंपेयर कर रहे हो समवन लाइक बियॉन्से, कि तुम्हारा डांस देख के बियॉन्से शर्मा आ जाएगी, विच आई मीन दैट ऑलरेडी डजंट मेक एनी सेंस. और फिर भी जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने फिर भी वो बीच में वो गोरी जरूर घुसाना था कि तुझे देख के गोरी या बियॉन्से शर्मा आ जाएगी. आई मीन वहां पे बेचारी बियॉन्से रिप्रेजेंटेशन कर रही है अपनी म्यूजिक वीडियोज में ब्राउन स्किन के ऊपर, कि हर तरह की स्किन अच्छी है उसको प्यार करो, स्पेशली जो कि डार्कर कलर्स हैं. उधर वो सब कुछ वो कर रही है बियॉन्से, और उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है कि तुझे देख के गोरिया बियॉन्से शर्मा आ जाएगी, कि बियॉन्से आफ्टर सीइंग अ वाइट गर्ल इज गोइंग टू लाइक फील एम्बैरस्ड और शाय, विच आई मीन आगे सुनते हैं क्या. आई थिंक बेचारी को डांस नहीं आता इसलिए वो इतना कट्स कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो में. ओके, अच्छा कौन से क्यों छड़माएगी? आई थिंक लड़की ने इसलिए भी हील्स नहीं पहनी थी कि कद बहुत लंबा हो जाएगा लड़के से उसका. तो वीडियो को अभी तक कितने डिस ओके आई थिंक ओके 350,000 डिसलाइक्स मिल चुके हैं, जो कि it makes sense because right now Bollywood, especially the people who consume Bollywood content, they are going through this change jo ke wo nepotism ke khilaf bol rahe hain, aur I think Ananya bhi kisi ki. So Ananya Pandey is the daughter of actor Chunky Pandey. Acha wo nepotism, okay, ladka bhi kisi ka beta, wo matlab kisi actors ka beta hai. ओके, सो उस वजह से भी इसको बहुत डिसलाइक्स आई थिंक मिले हैं, क्योंकि अगेन एज आई सेड द पीपल हु कंज्यूम बॉलीवुड मीडिया दे आरंट फैंस ऑफ नेपोटिज्म, दे वांट बॉलीवुड टू चेंज फॉर द बेटर, स्पेशली आफ्टर सुशांत सिंह डेथ. सो या आई मीन मेरे हिसाब से गाना, चलो इवन दो इट स्टिल डिडंट मेक सेंस, लेकिन इफ यू स्टिल वांट टू ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, फिर भी थोड़ी सी चलो था कि जी मैं तो ऐसा डांस करती हूँ, ये एक्ट्रेस जो है कि बियॉन्से मुझसे जेलस होगी, तो चलो वहाँ तक ठीक था. लेकिन यस, वो जो बीच में गोरिया का वर्ड डालना कि गोरी है तुझे देख के बियॉन्से ऐसा करेगी, आई मीन बियॉन्से डजंट हैव टाइम फॉर दैट. अब हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग, और किसी ग्रामर में, इस लैंग्वेज की ग्रामर में आप हो सकता है गोरिया किसी लड़की को कहते हो, एंड इट डजंट नेसेसरली मीन के शी इज फेयर स्किन्ड, मे बी हु नोज. करंटली इस लिरिक को लेके लोग यही समझ रहे हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा कि ओए गोरी है तुझे देख के बियॉन्से शर्मा आ जाएगी, विच आई मीन कलरिज्म घुसी हुई है हमारे कल्चर में ना, कलरिज्म एक है. Anyway, feel free to leave your thoughts down in the comment section below. And yeah, if you are going to go ahead and give it a dislike, I won't be stopping you. Let me know what you guys thought. And until next time, stay happy, stay festive, blessed. See you guys later.